भाजपा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पर हुआ हमला। माता प्रसाद पांडे आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल करने के लिए इटवा ब्लॉक पर पहुंचे थे, तभी अचानक कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और ब्लॉक प्रमुख का नामांकन पर्चा लेकर भाग गए। हमलावर ने उनकी गाड़ियों का शीशा भी तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है। वहीं इस पूरे मामले में जिले के डीएम और एसपी पूरे मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा प्रत्याशी के पति राम कृपाल चौधरी व उनके समर्थकों पर लगाया है। वहीं दूसरी तरफ बस्ती सीतापुर में भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दौरान कई राउंड गोलियां चली, इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इस पूरे मामले में जब लाइव टीवी एक्सप्रेस ने एनसीपी यूथ के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है। जिस तरीके से सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। माता प्रसाद पांडे जी एक सीनियर लीडर हैं, उनके ऊपर हमला होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर जिले के कप्तान और डीएम काम करते हैं। कुछ दिन पहले जिला पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी तानाशाही दिखाई थी। मैं मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूं कि जो भी इस मामले में दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए अजहर हुसैन फारूकी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ, उनको पर्चा दाखिल नहीं करने, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी हमला हुआ ये बहुत ही गलत है, ये मैं इसका निंदन करता हूँ। माता प्रसाद जी एक वरिष्ठ लीडर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसका मैं विरोध करता हूँ। ये बहुत ही गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, मैं योगी जी से और मोदी जी से मैं मांग करता हूँ कि ये इसकी जांच हो और जिन लोगों ने हमला किया है उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे यहाँ का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नहीं सुरक्षित, नहीं सेफ है, तो जो और बीडीसी और जो अदर लोग हैं, जनता है, वो कैसे सेफ रहेगी? अभी सिद्धार्थनगर में माता प्रसाद जी के ऊपर में हमला हुआ, आपके सीतापुर में हुआ, उसी तरीके से बस्ती में भी हुआ। लेकिन मैं आदित्य योगीनाथ जी से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और उचित कार्रवाई हो, जो दोषी पाए जाए उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसका जो है निंदनीय करता हूं और बहुत विरोध करता हूं, जिसमें आदित्य योगीनाथ जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस पे कड़ी कदम उठाना चाहिए। मैं यही इनसे आशा करता हूं, यही अपील करता हूं।